वेलकम फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस डिलाइट एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश कुमार भाटी और आज आप देख रहे हो कंस्ट्रक्शन क्लास 10 की सीरीज का ये लास्ट वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम काफ़ी सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ये हमारा आखिरी वीडियो है, तो हम इसको एज इट इज़ सारे वीडियोज़ की तरह ही हम इसको फिनिश करेंगे। हर चीज़ को, ईच एंड एवरी पॉइंट्स को हम यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट बी सी डी एंड टेंजेंट फ्रॉम ए ऑन अ सर्कल इन विच डी इज अ परपेंडिकुलर ऑन ए सी फ्रॉम बी वेयर बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अलॉन्ग विद दैट एक चीज है जो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पॉइंट बी के ऊपर राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल दिया हुआ है, तो हम पहले राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम कुछ मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पे एक चीज़ मैं लिखना भूल गया हूँ, मेज़र एंगल बी इज 90, राइट। तो पहले मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ जिसका बेस होगा 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है, यहाँ पे मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। ओके फाइन, चलिए यहाँ पे मैं इसका बेस बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ये पॉइंट बी होगा और ये पॉइंट सी होगा, ठीक है। अब मैं इसका मिड पॉइंट लेके रख रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैं इसका ये मिड पॉइंट एम अभी से रख रहा हूँ मेरे पास, ठीक है। 4 सेंटीमीटर होगा क्योंकि बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, तो मिड पॉइंट एम 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब पॉइंट बी के ऊपर राइट एंगल दिया हुआ था, ठीक है, तो पॉइंट बी के ऊपर मैं राइट एंगल बना देता हूँ। मैं प्रोट्रैक्टर से बना रहा हूँ, आप कंपास से बनाएंगे 60-90 का बनाकर, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट बना रहा हूँ, आप कंपास का यूज़ करके बनाओगे। यहाँ पर मेरा ये 90 बनके रेडी हो चुका है, ओके। और इसका मेजरमेंट था 6 सेंटीमीटर, तो मैं 6 सेंटीमीटर यहाँ पे मेजरमेंट ले सकता हूँ, ओके। तो ये मेरा पॉइंट हो गया पॉइंट ए, राइट। अब मैं इसको ए और सी को ज्वाइन कर लेता हूँ, फाइन। हमारा ट्रायंगल एबीसी तैयार हो चुका है। अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा और प्रोसेस करेंगे। कंस्ट्रक्ट अ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट बी सी डी, अब बी और सी तो हमें मिल गया मगर हमें पॉइंट डी अभी नहीं मिला है, इन विच डी इज अ परपेंडिकुलर ऑन ए सी, ए सी के ऊपर पॉइंट डी है जो बी से स्टार्ट होता है और ए सी के परपेंडिकुलर है। तो फिलहाल के लिए मैं एक रफली परपेंडिकुलर पॉइंट ड्रॉ कर लेता हूँ बी के ऊपर, ए सी के ऊपर मैं यहाँ पे पॉइंट डी बना लेता हूँ। आगे चल के हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट भी करेंगे, ये आपका पॉइंट डी हो गया क्योंकि ये मैंने रफली बनाया है, इसके ऊपर डी पॉइंट चेक कर लेते हैं क्या ये राइट एंगल परपेंडिकुलर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये चलो हो, मान लेते हैं ये राइट एंगल है, राइट एंगल पे हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है, ओके ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बी से डी लिया है, बी से पॉइंट डी लिया है ऑन ए सी विच इज़ परपेंडिकुलर टू द ए सी, ठीक है। ऐसा मान के हम चलते हैं ये वाला एंगल है वो राइट एंगल है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मुझे बी सी और डी तीनों में से पास होने वाला एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो उसके लिए आपको पॉइंट एम से सर्कल ड्रॉ करना होगा, तो ही आप उससे पॉइंट बी सी डी से पास करा पाओगे। तो देखिए यहाँ से मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है, ओके। तो मैंने आपको बोला था कि पॉइंट डी को थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करना होगा, फिलहाल तो इतना एडजस्टमेंट वाली बात नहीं है क्योंकि सर्कल यहाँ से पास हो रहा है और ये यहाँ पे जा रहा है, तो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, हम लेके चल सकते हैं उसको एज इट इज़, नो प्रॉब्लम। तो देखिए मैंने यहाँ पे ब्लू पेन से एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है, जो सर्कल बी
सी और डी से पास होके जा रहा है, तो हमने हमारे क्वेश्चन में जो दिया था उसमें से हमने 50% वर्क तो कर लिया। अभी बात रही कि हमें पॉइंट ए से इस सर्कल के ऊपर हमें टेंजेंट ड्रॉ करने थे, राइट। तो हम क्या करेंगे कि हमारे सर्कल का सेंटर पॉइंट तो M है, क्योंकि हमने M से ही सर्कल ड्रॉ किया था ये ब्लू वाला सर्कल। तो एज इट इज़ जैसे हर एक क्वेश्चन में हम करते थे, मुझे पॉइंट A से सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनाने हैं, तो पहले मुझे पॉइंट A को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करना होगा। तो चलिए मैंने ज्वाइन कर लिया। ओके, मैं इसको रेड से दिखाता हूँ ताकि आपको ब्लैक से दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा और भी अच्छे समझ में आएगा। फाइन, यहाँ पे देखो मैंने AM को ज्वाइन कर लिया है। अब मैं AM को क्या करूँगा, बाइसेक्ट करूँगा जैसे हर क्वेश्चन में हम करते आ रहे थे। मैं इस AM को देखिए मैंने मेजरमेंट कैसे लिया है, AM का मेजरमेंट ले लिया है उससे थोड़ा हाफ, मतलब मोर देन हाफ, ठीक है, हाफ से ज़्यादा ले लिया थोड़ा मेजरमेंट, और इसको इसे बाइसेक्ट कर दिया मैंने AM को। अब इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं M1 एंड M2, इनको हम हल्का हल्का ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, मेरे पास एक पॉइंट आ चुका है, मैं रेड से दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा विजिबल हो सके। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ जी, ठीक है। अब जी से मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगा जो मुझे टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट्स अवेलेबल करवाएगा। तो देखिए मैंने जी और ए का मेजरमेंट ले लिया है। ओके, अब मैं यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। फाइन, तो मैं आपको पेंसिल से वो पॉइंट्स दिखाता हूँ कौन कौन से पॉइंट्स हैं। देखो ये मेरा पहले वाला सर्कल था और ही बनाया वो मैंने दूसरा वाला सर्कल है, तो एक पॉइंट तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है और दूसरा वाला पॉइंट मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो मैं दोनों पॉइंट से ए को कनेक्ट करूँगा। ऑलरेडी मेरे पास ये वाला पॉइंट तो ए से कनेक्टेड ही है, मैं दूसरे पॉइंट को इससे यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये आपका हो गया टेंजेंट वन हो गया। ये आपका टेंजेंट टू हो गया। तो इस तरीके से आपने एक ट्रायंगल के साइड से सर्कल के दो पॉइंट के ऊपर सर्कल के थर्ड पॉइंट से आपने टेंजेंट को ड्रॉ किया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अभी तक की हमने आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, काफ़ी सारे चैप्टर्स के ऊपर हमने आपके लिए प्लेलिस्ट बना के दिया हुआ है। आप हमारे सारे वीडियोज़ को देखिए और मैक्सिमम इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि हमें मोटिवेशन मिले। हम आपके लिए ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और फिलहाल इस वीडियो के साथ हम इस प्लेलिस्ट को, वीडियो सीरीज़ को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो सीरीज़ के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे और हमें, आपने हमारे वीडियोस को वॉच किया, हमें टाइम दिया, तब तक के लिए थैंक यू, इसके लिए थैंक यू सो मच। और इस कंटेंट को आपके तक ही सीमित मत रखिए, आपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए ताकि ये आपके लिए और आपके फ्रेंड के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। तो मिलते हैं एक नए वीडियो सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।